हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए सेल की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों अगर आपको याद होगा, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई थी सेल में और आपको बताया था कि सेल इसको का बहुत ही जल्द दोस्तों एग्जाम डेट आउट हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उस टाइम क्या हुआ था कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए मेल आई हुई थी, जहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी हुई थी, कुछ पीडीएफ्स मांगे हुए थे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कुछ फॉर्म फिलअप करने को। और तभी मैंने आपको बता दिया था कि अब बहुत ही जल्दी सेल इसको आपका एग्जाम करा लेगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर सेल इसको की रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। गाइज, मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा आपको सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न भी आउट हुआ है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या फिर आप कह सकते हैं मॉडल पेपर भी सेल इसको ने दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को शॉर्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे इसके करियर सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे न्यूज सेक्शन में, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है। एक है इसको स्टील प्लांट लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ एसीटी ऑब्लिक एंड ओसीटी अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, आप देख सकते हैं आईएसपी ऑब्लिक आरईसीटीटी ऑब्लिक 2018/1। तो यहाँ पर इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप देखिए इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB और आपका ये फिल करके, लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। अगर आप फॉर्म को जो पासवर्ड है या फिर कुछ भूल गए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन है। 16 तारीख से यानी आज के दिन से इसका कॉल लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और 29 तक आप इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, मेरे पास किसी भी कैंडिडेट का डेटा नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि आपकी एग्जाम डेट भी एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको इसी पेज का लिंक मैं आपको दे दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल सिलेबस क्या होने वाला है, और इसके बाद कुछ चीज़ें और भी उस मेंशन है उस पीडीएफ में, इसके अलावा आपका मॉडल पेपर भी उस पीडीएफ में मेंशन है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, और ये पीडीएफ दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप आराम से खुद से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप सभी लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूँ। सेल इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में जो कि स्थित है वेस्ट बंगाल में, इसका ACT और OCT का जो एडवर्टीजमेंट 2018 का था, उसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन OCT एंड ACTTT का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मेंशन है। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, सिंपल मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव नॉलेज का, मतलब 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन टेक्निकल के होने वाले हैं। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 140, और आपका पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, जनरल नॉलेज के सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, रीजनिंग के सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं और सिंपल मैथमेटिक्स के सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स के और सब्जेक्ट नॉलेज जो भी आपका रहेगा वो क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है। दोस्तों यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान में रखिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पोर्शन है आपका, जो कह सकते हैं आपका जो टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, मतलब जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप नॉन टेक्निकल पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाए, ठीक है। जो टेक्निकल पोर्शन आएंगे 40 क्वेश्चन के, आप चाहे किसी भी रेस्पेक्टिव ट्रेड से बिलोंग करते हैं, वो सिंपल होंगे, ठीक है। तो आपको जो कैंडिडेट होंगे वो टेक्निकल का लगभग सारे कैंडिडेट्स इक्वल ही मार्क्स लाने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई आपकी सिर्फ टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन में होने वाली है, रीजनिंग में होने वाली है, मैथ में होने वाली है, GK में होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके चलिए, और होपफुली दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम देंगे। एग्जाम के लिए गुड लक। कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।